स्कूल के बच्चे पढ़ने आज बट इधर गेम दे तुम्हारी आज थैंक यू ब्रो ये सब। हे गाइस वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। कैसे यूट्यूब फैमिली, आई होप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, फिट एंड फाइन हो गए और ब्लॉग देख रहे हो गए। सीन ये है कि यार आज जो है शूट कर रहा हूँ मैं GoPro से, वो भी अपने अल्टीमेट सुनील भाई का। भाई ने ये भी नहीं पूछा कब जाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। भाई कुछ नहीं, मैंने बोला भाई GoPro चाहिए कल को, भाई ने बोला ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यार ये होना चाहिए ना बंदा, भाई भयंकर बंदे ने एक बार भी नहीं पूछा भाई बंदे ने कि क्या है, कुछ नहीं भाई, बस दे दिया भाई ने। बट ठीक है यार, चलो बढ़िया है, अच्छा लगा सुनील भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना GoPro दे दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों को पता ही है कि मैं फ़ोन से ब्लॉगिंग करता हूँ, तो यार थोड़ा फ़ोन से ना इतना लंबे में थोड़ा दिक्कत हो रही थी तब करके, बट मैंने सोचा कि GoPro ले लूँगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, तो इसलिए मैंने GoPro ले लिया। आज की जो राइड है मैं और प्रदीप जा रहे हैं अपने धूमाकोट, भाई को थोड़ा सा काम था इसलिए, तो मैंने सोचा चल मेरे इस बहाने एक ब्लॉग भी शूट हो जाएगा, देन मैं आपको दिखा दूंगा कि पहाड़ों का व्यू ठंडे मौसम में कैसा रहता है। अभी चलते हैं फटाफट से, पहले जाके बाइक में फ्यूल अप कराता हूँ, फिर उसके बाद अपनी राइड जो है वो कंटिन्यू कर लेंगे। सो चलते ही पहले पेट्रोल पंप पे फटाफट से। सो गाइस इधर से फ्यूल अप वगैरह करा लिया, देन इसके बाद जो है अपनी राइड कंटिन्यू होने वाली है। रामनगर मार्केट पहुँच चुके हैं हम लोग, ये रामनगर की मार्केट आ गई। सो गाइस ये पहुँच चुके हैं हम लोग रामनगर की मार्केट, और आप लोग देख रहे हो सुबह सुबह भाई इतना जाम हो जा रहा ना, बस क्या ही बताऊँ, देख रहे हो भयंकर इतना जाम सुबह सुबह भाई साहब। सो गाइस रामनगर से हम लोग निकल गए थे और काफ़ी मार्केट वगैरह पार कर दिया, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्रजिया माता मंदिर के पास, जो कि काफ़ी पुराना मंदिर है। आप लोगों ने मेरे फर्स्ट या सेकंड ब्लॉग में देखा होगा, और जिसने नहीं देखा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके देखना, काफ़ी अच्छा ब्लॉग था वो भी, और काफ़ी मान्यता ग्रजिया माता मंदिर की यहाँ पे। मेरे को थोड़ा सा फ्लैग लेना था, आप लोगों को पता है जिस टाइम बाइक का एक्सीडेंट हुआ था तो आगे से जो फ्लैग थे वो यार हट गए थे, तो मैं सोच रहा हूँ ना फिर पहले लेके आया था भाई लेके आया था ग्रजिया माता मंदिर से ही, तो अभी मैं सोच रहा हूँ मैं जाता हूँ पहले फ्लैग लेके आता हूँ, बट ज़्यादा इधर टाइम तो वेस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, सारे मतलब टूरिस्ट भी उधर ही जा रहे हैं मेरे को लग रहा भाई। ये देखो बस जा रही है, सारी टूरिस्ट सब उधर ही जाने वाली हैं। तो ये है ग्रजिया माता मंदिर का द्वार। यार अभी मेरे को बाइक के लिए फ्लैग चाहिए थे, तो भैया ने अभी शॉप खोली है, और अब इनसे लेके फिर उसके बाद अपना सफ़र जो कंटिन्यू करते हैं। छोटे नहीं से थोड़ा बड़ा, ये फ्लैग मिल चुके हैं अभी यहाँ से लेके, देन बाइक में टांगता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो सो गाइस फ्लैग वगैरह भी ले लिए थे, और उसके बाद जाके बांधते हैं इनको बाइक में, फिर दिखाता हूँ बाइक को कैसे लगते हैं। फ्लैग वगैरह बांध दिए और बाइक अब थोड़ा यार ऐसी हो गई है, क्योंकि ये जो मिरर है वो इस बाइक के है नहीं इसलिए। सो अभी चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने फ्लैग वगैरह बांध लिए थे ग्रजिया माता मंदिर से लेके, देन अब हमने कर दिया है अपना सफ़र कंटिन्यू, तो अभी हम लोग कहीं नहीं रुकने वाले हैं, अभी सीधा जाएंगे धूमाकोट पहले, क्योंकि या तो हम लोग धूमाकोट जाएंगे या तो फिर हम शंकरपुर से होते हुए निकलेंगे, अगर हमें यार टाइम 10:12 हमें ग्रजिया माता मंदिर पे हो गए, और हम लोगों ने प्लान बनाया था कि इस टाइम तक हम लोगों ने मरथुला पार्क कर देना था, तो अभी हम लोगों ने इधर से अपना सफ़र कर दिया कंटिन्यू, देन उसके बाद देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी टाइम हो चुका है 10:12 और हम लोगों ने बाइक में फ्लैग बांध दिया, और कैसा लग रहा है कमेंट करके बता देना, अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, अगर बुरा भी लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना बट बता देना कैसा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मरचूला, और आप रास्ता देख रहे हो कैसा खतरनाक हो रहा बहन कर, और मौसम भी इतना ठंडा हो रहा ना भाई, ठंड लग रही है यार इधर। अभी तो अभी हम लोग चले भी क्या है रामनगर से 20 किलोमीटर आ रखे होंगे बस ऊपर को, तभी इतना ठंडा हो गया। बड़ी आराम से चलानी पड़ती है पहाड़ों में बाइक कार, और जो दिल्ली तरफ के बंदे रहते हैं ना भाई, मतलब ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं रहते, वो तो कहीं कहीं डाल भी देते हैं यार। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मरचूला, और ये देख रहे हो आप ये जो पुल है, ये आपको धूमाकोट नैन डांडा आगे हल्दूखाल इधर को जाते हुए सबसे पहला पुल यही पड़ने वाला है आपको, एंड उसके बाद ये मरचूला की मार्केट पड़ जाएगी,
जो रामनगर से बस निकलती है सबसे पहले इधर ही स्टॉप होती है, उसके बाद आगे कुछ बढ़ती है और ये है मरचूला की मार्केट। सबसे पहले जो बस स्टॉप है मरचूला का वो यही है, यहाँ पर आपको बस रुकेगी आधे घंटे जो भी रुकना है आप लोगों को, ये जाएगी आपको कुमाऊँ और ये जाएगी आपको गढ़वाल के लिए। जिधर हम जा रहे हैं वो जाएगी आपको गढ़वाल को लेके, और जो नीचे वाली रोड है वो जाएगी आपको कुमाऊँ साइड को लेके। अभी हम लोगों को जाना है गढ़वाल, तो आज का जो ब्लॉग है वो इधर ही दिखाने वाला हूँ मैं गढ़वाल। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो किसी टाइम फिर कुमाऊँ साइड भी जाऊँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट कमेंट दबा के करना है यार, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि मैं आगे के लिए वीडियो देन। नाश्ता वगैरह इधर कर दिया था और यार बस भाई मिल गया था ये अपना, चलते हैं भाई ठीक है फिर मिलते हैं। भाई मिल रखा था, ये भी उधर ही रहता है नई डांडा जहाँ हम लोग अभी जाने वाले हैं, तो अभी चलते हैं फिर यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करके और हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि यार हम लोग ना घर से जल्दी जल्दी पे निकल गए थे तो नाश्ता वगैरह हम लोग नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अभी भाई मिल गया था पीछे, वो भी नई डांडा से ही है। अभी हम लोग जाने वाले हैं शंकरपुर के रास्ते, क्योंकि यार हम लोगों को ना धूमाकोट को थोड़ा लंबा पड़ेगा और टाइम हो गया 11:26, टाइम बहुत हो गया भाई इधर पहले से ही। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शंकरपुर, आप व्यू चेक कर सकते हो क्या जहर व्यू आ रखा भाई देखो। देन हम लोग कैमरा भी लेके आ रखे हैं और भाई कैमरा यूज कर रहा है, मतलब इसको अच्छे से चलाना आता है अपना प्रदीप चांद, और व्यू आप चेक कर सकते हो। अभी हम लोग धूमाकोट से 35 किलोमीटर पीछे हैं, हम लोगों ने चलना है इधर से क्योंकि हम लोग इधर से थोड़ा शॉर्ट पड़ने वाला है क्योंकि टाइम हो गया बहुत, 11:30 बज गए 12 बज गए। देरी 12 बजे का हमारा वो था सेटअप कि हम लोग 12 बजे नई डांडा पहुँच जाएंगे, बट लेट हो गए इधरी। अभी हम लोग इधर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर अपना सफ़र करेंगे कंटिन्यू। तो गाइस इधर यार हम लोग आ गए थे शंकरपुर वाले रास्ते को, मतलब मैं वहाँ ऑफ रोडिंग करने जाऊँ ना वहाँ पर भी थोड़ा सही रास्ता रहेगा, बट यार इधर का ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा गंदा है, आप लोग देख ही रहे हो गाड़ी पहले दूसरे तीसरे से ना ऊपर जा ही नहीं रही है यहाँ भयंकर। देखो देख रहे हो गाड़ी पूरी कूद के अलग रख जा रही है महंगा पत्थरों में यार बिल्कुल। अभी हम लोग पहुँच चुके नैनी डांडा और दिखा देता हूँ नैनी डांडा की मार्केट। सो ये है नैनी डांडा की मार्केट, आप लोग देख रहे हो ये है रामनगर, हमको यहाँ से बढ़ गया 88 किलोमीटर नैनी डांडा की मार्केट देख रहे हो आप। और अभी उस साइड को दिखा देता हूँ जरा आपको। सो ये है नैनी डांडा की मार्केट, चेक कर सकते हो आप ये मार्केट इधर की, बट मैं उसके बाद में जाने वाला हूँ इधर से कॉलेज, कॉलेज में फिर दिखाऊंगा आपको मैं, देख लो बस ये मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ खाना पीना है तो आप इधर खा सकते हो, यहाँ पे एक शॉप है, फिर इधर को जाओगे तो इधर को पड़ जाएगा आपको हल्दू खाल। अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ा सा मतलब जिधर गेम्स वगैरह चल रहे हैं उधर, फिर उसके बाद जाएंगे जहाँ को जाना है। और अभी ज़रा थोड़ा खा पी लेंगे क्योंकि भूख लग गई यार बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नैनी डांडा और अभी जा रहे हैं स्कूल में, स्कूल के दिखाते हैं आपको व्यू, मैं और प्रदीप भाई आ रखे थे, अभी हम लोग आ रखे थे, अभी जाते हैं स्कूल में, स्कूल दिखाते हैं फिर आपको ये देखो। सो गाइस अभी पहुँच चुके थे नैनी डांडा के स्कूल, कौन सा है ये देख लो, और इधर चल रहा था प्रोग्राम, बच्चों का गेम चल रहे हैं अंडर 14 का, ये देख सकते हो आप इधर सारे में अंडर 14 वाले हैं। और अभी इधर स्टार्ट होने वाली आई थिंक कबड्डी, शायद कबड्डी नीचे होगी, तो अभी इसको दिखा देता हूँ। और मेरे GoPro में बैटरी बहुत कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा। आप देख सकते हो ये है यहाँ का स्कूल, नैनी डांडा के स्कूल है जनता इंटर कॉलेज, और देख सकते हो आप ये सारे गेम्स वाले बच्चे, और ये अपना प्रदीप भाई। तो गाइस इधर चल रही है कबड्डी, दिक्कत यह है कि GoPro की बैटरी होने वाली ऑफ और मैं एक बैटरी लेके आया था तब करके, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा बट थोड़ा सा ही दिखा पाऊँगा। बाकी यह है नैनी डांडा के स्कूल जनता इंटर कॉलेज, देन इधर चल रही है। तो गाइस ये है नैनी डांडा की मार्केट और ये हैं कुछ स्कूल के बच्चे पढ़ने वाले, इनके गेम थे आज, बट इधर गेम थे तुम्हारे आज इधर हैं
रामनगर से। रामनगर है। थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। ये सब कहाँ, ये नैनी डांडा के हैं सारे इधर, ये सब इधर मिलने के लिए आ रखे हैं। ब्लॉग में ले लिया भाई, बस कैमरा ऑन है अभी, ये कल या परसों मिल जाए। सो गाइस हम लोग जा ही रहे थे इधर, अंकल जी ने उन्होंने बताया कि यार इधर बाघ लग रखा है, हमें भी नहीं पता, तो इसलिए हम लोग अभी साथ में जाने वाले हैं। साथ में उन्होंने, अंकल जी ने बताया था कि बाघ है इधर कहीं, गाड़ी को आने देगा पहले आगे, उससे पता कर लेंगे। हाँ। एक गाड़ी आ रही है तो उसको निकल जान देंगे, उसके बाद देखेंगे यार इधर कहीं बताया था उन्होंने। अभी क्रॉस करेंगे ना तो हम लोग निकल जाएंगे भाई यहाँ पे से और वहाँ पे तक करने। मेन रोड ही है। हाँ मेन ही है। दिक्कत ये है ना कि यहाँ से आगे टूटी रोड है, टूटी फूटी रोड है, बहुत गंदी। तो टूटी रोड पे ये है, बाइक की स्पीड नहीं बना सकते ना। गाड़ी आने वाली है, फिर उसके बाद देखते हैं, पूछ लेते हैं इनसे, कंफर्मेशन हो जाएगा। भाई चीता मिल गया भाई, खतरनाक। बट अंकल जी ने देखा, हमने नहीं देखा। भाई साहब रास्ते में आपको कोई जानवर दिखाई दिया, चीता वगैरह? टाइगर नहीं दिखाई दिया? चलो ठीक है, अभी हमें बताया ना कि रास्ते में भी तीन शेर थे ना, अभी कुछ ये जो गाड़ी निकली अभी आगे, उन्होंने बताया, वो उन्होंने बताया ना कि तीन थे, अब वो क्रॉस हो गए किधर किधर पता नहीं, तो हमने सोचा आप आ रहे हैं तो चलो। अच्छा नहीं थे, इसी लोकेशन पे थे। सो गाइस ठीक है, अभी भैया ने बता दिया कि कुछ नहीं मिला ऐसा, अभी हम लोग चलते हैं। अगर ऐसा कुछ रहा तो GoPro की बैटरी भी खत्म हो रखी है, हमारी फट जाएगी भाई। क्या बोला तूने? भैया को थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है, मैंने कहा बट निकल लेते हैं, चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर भी। अच्छा ओके थैंक यू। चलो भाई हम लोग नैनी डांडा से थोड़ा नीचे को आ गए थे, बट यार ऐसा था कि GoPro की बैटरी डाउन हो चुकी थी, तो इसलिए मेरे को अब फोन से थोड़ा सा ब्लॉग शूट करना पड़ रहा था। इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं बंद, और अपना ब्लॉग बस यहीं बंद करता हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको 31st पे या 1st January को, चलते हैं अभी, ब्लॉग को करता हूँ यहीं बंद। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।